ये कुछ लुक इस टाइप से आ जाता है, और तो दिखाई में कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन, यू आर वाचिंग सचिन ब्लॉग लाइफस्टाइल, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया था, मैं इसके पिछले वीडियो में मैंने मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने गोप्रो ले लिया है मैंने। सो फिलहाल अभी आज मैं इस वीडियो में, टाइटल से आपको पता तो चल गया रहेगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ बेसिकली। सो मैं आज अपने गोप्रो को अपने इस हेलमेट पर माउंट करने वाला हूँ, और मैंने जो इक्विपमेंट्स थी मेरी पूरी ले ली है। मेरे पास अब यहाँ पर है ये माइक, लेवलियर माइक, माइक्रोफोन ये वाला। इसके अलावा मैंने कुछ इसके लिए जे माउंट्स वगैरह मंगाए थे, जो कि मुझे अपने पैकेज में पहले नहीं मिले थे। सो ये कंपनी है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हूँ क्या क्या उसको बोलूँ एग्जैक्टली, मैं कुछ अलग ही नाम है, आप लोग देख सकते हो। इस कंपनी के मैंने ये कुछ सारे इक्विपमेंट्स मंगाए हैं। सो पहले आपको ये दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट्स मुझे आए हैं। इसमें देखेंगे तो पहला एक पता नहीं क्या है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये वाला स्टैंड जो है, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगा। मैं चाहूँ तो ऐसे भी यूज कर सकता हूँ गोप्रो लगा के। कुछ बहुत सारे ये स्टिकर्स जो हैं, इसके अलावा ये रहा जे माउंट में ये उसका हुक, पहले ये लगाना पड़ता है। अभी आपको बताता हूँ माइक्रोफोन जो मैंने लिया है। फिलहाल माइक्रोफोन तो मैं दूसरा ले सकता था, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी फिलहाल जो स्टार्टअप है उस हिसाब से मैंने सोचा पहले ये ले लिया जाए। तो मैं इसे कैसे यूज करने वाला हूँ, पहले मैं इस माइक्रोफोन को अपने फोन से यूज करने वाला हूँ डायरेक्टली, मतलब ऑडियो अलग रिकॉर्ड करने वाला हूँ, एंड मेरा जो वीडियो क्लिप है वो गोप्रो से रिकॉर्ड होने वाले हैं। और आपको माइक दिखा देता हूँ। सो इसमें फिलहाल एक ये माइक है, फिलहाल इसमें एक कनेक्टर दिया है माइक्रोफोन के साथ में, तो अगर आपको कैमरा DSLR वगैरह में लगाना है तो पहले आप इसे स्विच कर सकते हैं, उसके बाद मैं माइक्रोफोन इसमें लगा के आप उसको यूज कर सकते हो। सो जी ये ये माइक्रोफोन का जो लेंथ है काफ़ी बड़ा लेंथ है, ऑलमोस्ट 2 meters का, मतलब समझो आपको ये माइक्रोफोन मिल जाएगा इसका वायर। सो अपना सबसे प्यारा GoPro, एंड आज हम इसे माउंट करने वाले हैं फाइनली। एंड माउंट करने के लिए हमारे पास ये उसका केस, जो कि जे माउंट पे लगाना पड़ेगा हमें। सो लेट्स गेट सारे सीधे डायरेक्टली माउंट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी। मैंने एक सैंड पेपर लिया है, जिससे पहले इसे मैं रफ करूँगा यहाँ पर। ओह शिट, एक और चीज़ भूल गया मैं, एंड ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया मैं, जो कि यूज़ करना है मुझे इसमें, जो कि है MC, मतलब जो टेम्पररी जो स्टिकर्स आते हैं इसमें, वो लगाने पे अगर कभी बाय चांस हेलमेट गिर जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो उसका माउंट है वो निकल जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे MC यूज करेंगे, जिससे हम पूरा एकदम से मजबूती से मुझे सीमेंट जैसा पूरा टाइट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसे मिक्स करूंगा, मिक्स करने से पहले मैं सैंड पेपर से इसे रफ करूंगा, मतलब ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ माउंट, सो मैं इतना पोर्शन को रफ करने वाला हूँ सैंड पेपर से, जिससे कि बाद में मैं MC लगाऊं तो थोड़ा अच्छे से ग्रिप पकड़ लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसको थोड़ा रफ कर लेंगे ये पोर्शन पे, क्योंकि माउंट करना है हमें। तो सबसे पहले मैं रफ करना चालू करता हूँ, ये इसका वेंटिलेशन था, मैं इसको सोच रहा हूँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर नॉइस वगैरह आएगा तो कुछ करके मतलब नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा मैं इसको बंद कर दूंगा इस बार, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इतना ही MC लगाने वाला हूँ। सो इतना ही मैं रफ करूँगा, क्योंकि बाकी खराब करके मतलब भी नहीं है। ओके, सो मैंने कुछ इतना रफ कर लिया है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हमको करना है इसको मिक्स करना है, MC को मिक्स करना है। जल्दी से MC ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है ये मेरे पास, यहाँ पर ये ब्लैक वाला MC, दूसरा है मेरे पास यहाँ पर। सो फर्स्ट हमें करना क्या, अभी इन दोनों को भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स कर लेता हूँ, मजबूती चाहिए तो अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। सो अब मैं इसे एक काम करता हूँ, पहले मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा इस पर गंदा हो जाएगा। ओके, सो मैंने कर लिया है, एंड अभी फिर इसको थोड़ा इसमें स्पीड भी लगा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लेता हूँ, पहले मैं ऐसे लेके इसे मैं यहाँ पर ऐसा रख दूँगा। So, ये एंगल बराबर आ रहेगा, बराबर आ रहेगा, नीचे ऊपर सब अच्छे तरीके से पसीना निकल गया भाई। ऐसा कुछ मैंने माउंट कर दिया है इस पर, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अराउंड 2-3 घंटे तो आराम से चले जाएंगे इसको सूखने के लिए। तो थोड़ा पहले मैं ऐसे सूखने के रख देता हूँ, एंड उसके बाद
और जो अपना सेटअप है ये कैमरे का वो कुछ इस पर आ जाएगा, फिर उसको हम लोग उस पर माउंट करके आपको अच्छे से पूरा दिखा दूंगा कैसा क्या माउंट होगा। एंड उसके बाद हम इसमें अंतर ये भी लगाने वाले हैं, एक काम करते हैं अभी लगा ही देते हैं वो, इसका ये रिमूवल है, मतलब ये मेरा जो है वो रिमूवल है, सोने से निकाल के फिर इसमें लगा देते हैं, तो वो अच्छा रहेगा फिर। सो इसके अंदर ऐसा माइक पहले डालूंगा मैं, ठीक है। सो अंदर से अगर आप देखोगे तो वो माइक कुछ ऐसा डाल जाएगा यहाँ पर जो मैंने माउंट किया है। और उसके बाद मैं ये जो है वो फिर मैं फोन में लगा दूंगा अपने, बस रेडी टू गो। ओके तो फाइनली वेट ओवर हो गया। मैंने इसको कुछ अराउंड लगभग 1.5 घंटे से ऐसा रखा है सूखने के लिए, और अभी ये काफी हार्ड हो चुका है, अभी भी इसको और सुखाना बाकी है, ज्यादा सूखेगा उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो कितने को कुछ टेंशन में ऐसा नहीं रहेगा अपने को। चलो अभी एक काम करता हूँ, आपको आज पे GoPro माउंट करके बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे दिख रहा है, मतलब मैंने कैसा माउंट किया है। मैं GoPro निकाल देता हूँ पहले, ये रहा मेरा GoPro एंड सो मैंने इसमें से GoPro निकाल दिया है, ये रहा GoPro, ये स्क्रू चाहिए था उसके लिए जे माउंट पे लगाने के लिए अंदर, और ये रहा जे माउंट। फर्स्ट हम लोग जे माउंट पे ये कैमरा लगा देंगे अपना इस टाइप से, मतलब ये जे माउंट का जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला ये नीचे साइड में होता है तो ऐसा रहता है कुछ इस टाइप का। ये टाइट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा ऐसा। एंड अभी क्या करना है हमें, बस इस पे ऐसा लगा देना है। ओके नाउ डन, देख सकते हो ऐसे ये GoPro है जो माउंट हो जाएगा इस पे। चलो एक काम करता हूँ, उसको मैं आपको पहन के बता देता हूँ कैसे दिखेगा एग्जैक्टली। कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। एंड इसका जो माइक है वो एग्जैक्टली मेरे मुंह के साइड में आ गया है, सो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको क्लियर एंड कड़क वाला वॉइस आएगा। ये कुछ लुक इस टाइप से आ जाता है। रही बात इसकी डेमो की, इसकी टेस्ट राइड की हो रही, वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। एंड एक और चीज, मैं कुछ अलग टाइप से माउंट किया हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ अलग टाइप से माउंट कर सकते हो GoPro को अपने हेलमेट पे, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं। बट मैंने ऐसा बहुत से बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि एम सील लगाओ, तो मैंने भी लगा लिया। अगर आप उसमें एम सील लगा देते हो तो आपको अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको अगर उसको निकालना है तो ये ना, अगर आपको निकालोगे तो या फिर ये टूट जाएगा या फिर ये जिसका पेंट है वो पूरा निकल जाता है आगे का, ऐसा सीन होता है। अच्छी बात यह है इसकी कि अगर आप इसको लगा रहे हो तो कभी भी आपको इन फ्यूचर ये गिर रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसका टूट के नीचे गिरने का या फिर कुछ भी ऐसा करने का सीन नहीं होगा, ये इसमें बस तो बेस्ट है। तो मैंने ऐसा कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने सीधा डायरेक्ट फिक्स कर दिया, तो मेरे लिए तो भाई यही अच्छा है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो सेटअप है वो एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब एक छोटा सा माइक, एक GoPro एंड GoPro हीरो 7 सिल्वर लेने जाओगे अगर बाय एनी चांस, आपको अराउंड 17,000 से 20,000 के अंडर आपको ये मिल जाएगा। कि मतलब बहुत से जगह ऐसा अलग अलग हो गया प्राइस, मतलब इसका कोई कोई सस्ते में दे देता है, कोई कोई महंगे दे देता है। तो एंड ये रही माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन मैंने कुछ लिया है 350 रुपीज। जितने भी ये मैंने इक्विपमेंट्स लिए हैं उसकी मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप परचेज करना रहेगा कुछ भी तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कैमरा सस्ता मिलता है तो आपको अराउंड कॉस्ट पड़ जाएगा इसका 20, बस ज्यादा कुछ हाई नहीं है पर ना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी चीज अगर आपको बुरी लगती है तो प्लीज उसे कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं अगले टाइम उसे इम्प्रूव जरूर कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, सायोनारा।